कितने हैं? 5 दिन है, 9, 10, 11, 12 और 13। ये 5 दिन अय्याम तशरीक कहलाते हैं। जैसे में हम तकबीरें पढ़ते हैं, 9 ज़ुल्हज की सुबह की नमाज के फौरन बाद तकबीरें शुरू करते हैं, 13 तारीख की असर तक तकबीरें पढ़ते हैं, क्योंकि जब शाम होती है, मगरब होती है, तो फिर 14 शुरू हो जाती है, इसलिए मगरब को नहीं पढ़ते। तो मैं फिर दोहरा देता हूँ, अय्याम तशरीक 5 हैं, 9, 10, 11, 12 और 13, और इनमें तकबीर तशरीक पढ़ना भी वाजिब है। ये भी मसला सुनने बाद में अगला करते हैं। बाजमात मुस्तहब, जमात के साथ नमाज जो पढ़ी जाए उसके फौरन बाद एक बार तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब, 3 बार पढ़ना सुन्नत। तकबीर तशरीक का अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बा जमात मुस्तहब्बा नमाज, उसके फौरन बा सलाम फेरते ही तकबीर शुरू कर दो। अगर आपने कोई सलाम फेरा, कोई बातचीत शुरू कर दी, कुछ और पढ़ना शुरू कर दिया, बाद में याद आया, तो ये इसका वजूब ख़त्म हो जाता है, ताखीर हो गई, लिहाजा फौरन ही पढ़ना। इसलिए हुक्मा एक बार बावादे बुलंद पढ़नी है, बाकी 2 बार आहिस्ता पढ़नी है, टोटल 3 बार तकबीर तशरीक पढ़नी चाहिए।